प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 12 के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की आज सुबह रिहाई हो गई। रिहाई के समय उनकी पत्नी पूर्व भाजपा विधायक नीलम करवरिया, बेटा सक्षम करवरिया और अन्य समर्थक भी जेल के बाहर मौजूद रहे। राज्य सरकार ने अच्छे चरित्र की वजह से समय से पहले ही उनकी रिहाई का आदेश दिया था। वह पिछले 10 सालों से जेल में थे। जेल से बाहर आने के बाद वे मीडिया के सवाल पर वो कुछ भी बोलने से बचते रहे। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया पर बोलना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता पत्नी का इलाज कराना होगा। उन्हें लीवर सोरायसिस है और इसलिए उनका लीवर ट्रांसप्लांट कराना है। बता दें कि MLA जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 28 साल पहले हुए इस हत्याकांड में पहली बार प्रयागराज ने एक AK-47 की आवाज सुनी थी। 1.5 मिनट तक AK-47 से फायरिंग हुई। उदय भान की रिहाई की मंजूरी राज्यपाल से मिली है। पूर्वांचल की राजनीति में उदय भान ब्राह्मण वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। उपचुनाव से पहले उनकी रिहाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। न्याय प्रक्रिया को लेकर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अगर न्याय प्रक्रिया की बात होती तो हमको जेल ही नहीं आना चाहिए। सही बात तो ये, हम लोग तो प्रोफाइल में फंसे हैं, कोई हम लोग क्रिमिनल तो है नहीं। इसके अलावा कोई दूसरा मुकदमा भी हमारे नाम नहीं, और ये भी राजनीतिक षड्यंत्र कहता है था। ये भी कोई ऐसा नहीं कि हम लोग कोई क्रिमिनल लोग, राजनीति का षड्यंत्र हुए। दो पार्टियों की लड़ाई में 10 साल जेल काटनी पड़ी।